तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम के चार बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, जिसके चलते भारतीय टीम ने 260 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला एडन मार्करम ने और गिरा सूर्य कुमार यादव के पक्ष में। सूर्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों ताबड़तोड़ शुरुआत करते हुए अभिषेक शर्मा ने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर बड़े शॉट के साथ शानदार आगाज किया और गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज कर अपनी पारी का शानदार आगाज उन्होंने कर दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 11 रन बनाकर पेवलियन लौटे, तो वहीं पर अभिषेक खराब फॉर्म से जूझ रहे और यहां पर भी जूझते ही नजर आए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर चौथा ओवर डालने आए एडन मार्करम की गेंद को संजू सैमसन ने बेहतरीन शॉट के जरिए बैकफुट से कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। उसके बाद यहां पर संजू सैमसन के साथ सूर्या क्रीज पर मौजूद है, तो पांचवें ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्या के बल्ले से भी एक दमदार शॉट देखने को मिला, जिसके चलते उन्होंने गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेज कर चौका जड़ दिया। संजू सैमसन के दमदार परफॉर्मेंस के चलते अब टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो वहीं पर संजू सैमसन के साथ सूर्या भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। इसके बाद दोस्तों आठवें ओवर में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से भी एक और बड़ा शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को उन्होंने डाउन द ग्राउंड सिक्स के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। एक फ्लैट सामने की तरफ छक्का सूर्या के बल्ले से देखने को मिला, तो वहीं पर सूर्या ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 24 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और एक और मुकाबले में दमदार पारी सूर्य कुमार यादव ने खेल डाली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर सूर्य कुमार यादव जो कि शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद यहां पर सीधे खड़ी हो गई और उनका भी शानदार कैच मिड ऑफ पर पकड़ लिया गया, क्रेलेट कोइजे ने पकड़ा और सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 57 रनों की पारी खेलकर पेवलियन लौटे। वहीं पर दोस्तों अब हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा के बीच चल रही इस साझेदारी ने भारतीय टीम को मजबूत स्कोर की तरफ बढ़ा दिया। इसी बीच दोस्तों यहां पर स्पिन गेंदबाजी अटैक आई 16वें ओवर में, तो यहां पर शानदार चौका देखने को मिला पहले तो तिलक के बल्ले से और इसके बाद गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंक कर कमाल का छक्का यहां पर तिलक के बल्ले से देखने को मिला। ये तिलक के बल्ले से निकला हुआ दमदार छक्का था। इस समय पर दोस्तों हार्दिक पांड्या ने भी 18वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी की और इस ओवर की पहली गेंद पर शानदार तरीके से कट शॉट खेला, विकेट कीपर के पास से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा।